सीरीज ऑफ सिंप्लेक्स मेथड के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। जब सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलपीपी को सॉल्व करते हैं तो वहां पर या तो स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल का जरूरत पड़ता है, तो मैं आज इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि स्लैक वेरिएबल क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड से किसी एलपीपी को सॉल्व करके बताऊंगा, तो वहां पर इसके बारे में डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा, मैं इस वीडियो में ही बता दे रहा हूं। इसके पहले मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं सिंप्लेक्स मेथड के इंट्रोडक्शन पर, तो वो आपको आई बटन प्रेस करके उस वीडियो पर जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलपीपी को सॉल्व करना है तो वो मैक्सिमाइजेशन का सवाल होना चाहिए। अगर मिनिमाइजेशन का सवाल है तो उसको सबसे पहले हम लोग मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा काम हम लोग ये करते हैं कि जो भी कॉन्स्टेंट है अगर वो इन इक्वेशन है तो उसको इक्वेशन में बदलेंगे। यानी अगर इन इक्वेशन मीन्स लेस देन इक्वल टू का साइन है या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो उसको हम लोग इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। अब इक्वल टू में कन्वर्ट कैसे करेंगे तो उसके लिए हम लोग कुछ न्यू वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे अगर लेस देन का सवाल है तो लेस देन में अगर हम लोग को इक्वल टू में बदलना है इक्वेशन को, जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल से ही पहले समझते हैं कि स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद में मैं डेफिनेशन बताऊंगा कि कंसिडर द एलपीपी मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू दिस। इस एलपीपी में इस जेड को मैक्सिमाइज करना है, जेड इक्वल टू 3x1 + 2x2 है, सब्जेक्ट टू यहाँ कॉन्स्टेंट है x1 + x2 < 4, x1 - x2 < 2, वेयर x1 > 0 एंड x2 > 0। तो ये एलपीपी हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो मैक्सिमाइजेशन का सवाल है, तो सिंप्लेक्स मेथड में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मैक्सिमाइजेशन का ही सवाल होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन का सवाल है। अब ये दूसरा चीज़ देखेंगे कॉन्स्टेंट के बारे में, तो कंस्टेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा समझिए। पहले फर्स्ट कंस्टेंट को देखिए यहाँ पर कि x1 + x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि x1 + x2 का जो वैल्यू होगा वो या तो 4 के इक्वल होगा या फिर 4 से कम होगा। सपोज कर लीजिए कि x1 + x2 का वैल्यू 3 है, सपोज कर लीजिए 4 से कम है, तो मान लीजिए x1 और x2 ऐसा है कि इस दोनों का सम जो है वो 3 के बराबर है, तो 3 के बराबर है तो ये जो है वो 3 हो गया, 3 < 4। अब इसमें कितना नंबर और ऐड कर दे ताकि ये इसके बराबर हो जाए, तो अगर हम लोग 1 ऐड कर देते हैं इसके साथ में, अगर 1 ऐड कर देते हैं तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक न्यू वेरिएबल को ऐड करते हैं, x1 + x2 + x3 एक न्यू वेरिएबल ऐड करते हैं, और ऐसा ऐड करेंगे x3 का वैल्यू ऐसा चूज करेंगे ताकि ये 4 के इक्वल हो जाए। तो x3 का वैल्यू क्या चूज करना पड़ेगा हम लोग को, 1 चूज करना पड़ेगा, क्योंकि x1 + x2 का वैल्यू तो 3 है, इसका सम जो है वो 3 है, x3 अगर हम लोग 1 ले लें तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा। तो ये जो है वो इक्वेशन में बदल जाएगा कि पहले था x1 + x2 < 4, अगर x3 एक न्यू वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो x1 + x2 + x3 = 4 हो जाएगा। अब x3 का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसका जो सम है वो 4 तक हो सकता है या फिर 4 से कम होगा। सपोज कीजिए अगर ये 4 है, अगर ये 4 है, x1 + x2 का वैल्यू 4 भी हो सकता है, तो सपोज कीजिए x1 + x2 = 4 है, तो उस समय x3 का वैल्यू हम लोग को क्या चूज करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी 4 के बराबर है तो यहाँ पर हम लोग को 0 पुट करना पड़ेगा। क्या नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं क्या, ये नेगेटिव तब होगा जब इसका वैल्यू, इसका सम जो है वो 4 से बड़ा हो जाए। मान लीजिए ये 5 हो गया तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो लेकिन ये 5 तो होगा नहीं कभी, क्योंकि इसका वैल्यू मैक्सिमम 4 है,
तो कभी भी 5 नहीं आएगा, 4 तक ही मैक्सिमम हो सकता है। तो x3 का वैल्यू जो है वो 0, मिनिमम जो है वो 0 होगा, उससे छोटा कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए x1 प्लस x2 4 से छोटा, मान लीजिए 4 से छोटा -2 है, तो अगर x1 प्लस x2 4 से छोटा लेना है, मान लीजिए -2 है, तो उस समय x3 क्या चूज करना पड़ेगा ताकि इस दोनों का जो सम है वो 4 आ जाए, तो ये -2 और कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि 4 आ जाए, तो x3 का वैल्यू हम लोग को 6 ऐड करना पड़ेगा, तो -2 में 6 ऐड करेंगे तो 4, तो x3 का वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो एक न्यू वेरिएबल हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए x1 प्लस x2 में x3 एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि इसका सम जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा और x3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, नॉन नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो जो न्यू वेरिएबल, इसको इक्वलिटीज में बदलने के लिए जो न्यू वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी न्यू वेरिएबल को हम लोग कहते हैं स्लैक वेरिएबल। तो देखिए स्लैक वेरिएबल क्या है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि इफ ए कंस्टेंट हैज ए साइन लेस देन इक्वल टू, अगर कंस्टेंट में लेस देन इक्वल टू का साइन है, देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी, तो जो यहाँ पर कंस्टेंट आप देख रहे हैं कि ये लेस देन इक्वल टू का साइन था, तो उसको इक्वलिटी में हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी वी हैव टू ऐड समथिंग पॉजिटिव टू द लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग एक कुछ नंबर को, कुछ थिंग को, कुछ चीज़ को ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, पॉजिटिव नंबर को ऐड करना पड़ेगा, या जीरो भी हो सकता है, तो द पॉजिटिव वेरिएबल्स, वो जीरो भी हो सकता है, द पॉजिटिव वेरिएबल्स which are added to left hand side to the constraint to convert them into equalities, तो जो पॉजिटिव वेरिएबल या जीरो भी हो सकता है उसका वैल्यू, तो उसको जो हम लोग ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कंस्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड में, टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वलिटीज, इक्वलिटी में बदलने के लिए, आर कॉल्ड द स्लैक वेरिएबल। तो इसी वेरिएबल जो हम लोग यहाँ पर x3 को ऐड किए हैं, उसी को स्लैक वेरिएबल कहते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इस LPP को हम लोग क्या करेंगे, कंस्टेंट को इक्वलिटीज में कन्वर्ट करेंगे। तो नाउ वी इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स, दो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, एक में हम लोग दो कांस्टेंट है, तो एक में x3 ऐड करेंगे और एक में x4। नाउ वी इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स x3 एंड x4, वी हैव, हम लोग को क्या मिल जाएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा x1 माइनस x2, जिस तरीके से इसमें मैं बताया कि अभी यहाँ पर स्लैक वेरिएबल x3 ऐड करना पड़ रहा है लेस देन को इक्वल टू में बदलने के लिए, तो यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में बदलने के लिए एक x4 ऐड कर देंगे, न्यू वेरिएबल है, इसको स्लैक वेरिएबल कहते हैं, और इज इक्वल टू, ये जब न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। जहाँ पर x1 x2 x तो पॉजिटिव था ही, x3 और x4 भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नॉन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो के इक्वल होगा। तो ये जो न्यू वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं x3 और x4 इक्वल टू में बदलने के लिए कांस्टेंट को, इसी को हम लोग स्लैक वेरिएबल कहते हैं। अब सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, जरा इसके बारे में समझिए। इस एग्जांपल को कंसिडर कीजिए कि एक एलपीपी हम लोग ले रहे हैं, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कांस्टेंट में आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन है उसको इक्वलिटीज में बदलना है, ये इन इक्वलिटीज है उसको इक्वलिटीज में कन्वर्ट करना है। तो इन इक्वलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जरा समझिए। यहाँ पर कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट को ले रहे हैं x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मींस क्या हुआ कि x1 प्लस x2 का जो भी वैल्यू होगा या तो 4 होगा या फिर 4 से बड़ा होगा। तो मान लीजिए x1 प्लस x2 का वैल्यू अगर 5 है, सपोज कीजिए x1 प्लस x2 का 5 वैल्यू 5 है, तो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि 4 आ जाएगा। तो क्या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, मान लीजिए हम लोग एक पॉजिटिव नंबर x3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ये 4 हो जाएगा,
तो x3 का वैल्यू हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, x3 का वैल्यू यहाँ पर x1 प्लस x2 का वैल्यू 5 है, इसका जो वैल्यू है यहाँ पर ये 5 है, तो 5 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दे ताकि 4 हो जाएगा, तो ये 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि x3 का जो वैल्यू है वो हम लोग को क्या लेना पड़ रहा है 1, यानी एक न्यू वेरिएबल हम लोग लिए x3 और x3 का जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव नंबर है 1 है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये 4 के इक्वल आ गया, यानी कि ये जो इनइक्वालिटीज था ग्रेटर देन इक्वालिटी का साइन था उसको इक्वालिटीज में बदलने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है और उस वेरिएबल का वैल्यू अभी फिलहाल यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये 1 है। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि x1 प्लस x2 का जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा लेना है तो या उसके इक्वल भी हो सकता है, तो अभी हम लोग बड़ा लिए 5 लिए, सपोज कीजिए वो उसके इक्वल है, x1 प्लस x2 का वैल्यू मान लीजिए 4 के इक्वल है, तो इसको इक्वलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी ये इक्वलिटीज में है लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 के इक्वल भी हो सकता है या 4 से बड़ा भी हो सकता है, तो हम लोग जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, x3 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, मतलब 0 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही 4 के बराबर हो जाएगा, तो x3 का जो वैल्यू है वो 0 ले सकते हैं या फिर 0 से बड़ा, नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव x3 का वैल्यू नहीं होगा। क्यों नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू 4 है, x3 नेगेटिव कब होता, इसको 4 लाने के लिए, इसको 4 लाने के लिए इसका वैल्यू अगर मान लीजिए 3 रखते हैं तो 3 रखते हैं तो यहाँ पर -1 सब्ट्रैक्ट करने पर आता 4, तो 3 तो इसका वैल्यू हो नहीं सकता है, मिनिमम वैल्यू 4 है, तो मिनिमम वैल्यू 4 है यानी कि x3 का वैल्यू हमेशा या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहता है, सिम्बॉल रहता है कॉन्स्टेंट में, तो वैसे केस में इक्वलिटीज में बदलने के लिए हम लोग को एक न्यू वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उस न्यू वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा वो निश्चित रूप से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो जो न्यू वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी को कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो सरप्लस वेरिएबल का डेफिनेशन यहाँ से समझिए, क्या है सरप्लस वेरिएबल, कि इफ़ ये कॉन्स्टेंट हैज ए साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए, देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव या 0 भी हो सकता है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है कॉन्स्टेंट में। तो द पॉजिटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में के जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू या 0 के बराबर भी हो सकता है, उसको जो सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव वेरिएबल को या 0 के बराबर हो सकता है, तो उसी को कहते हैं कन्वर्ट करने के लिए, इक्वलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसी को कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो सरप्लस और स्लैक का मीन्स क्या हुआ, कि जैसे यहाँ पर अगर ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ग्रेटर देन का सिंबल है इसका मतलब इसका वैल्यू 4 से ज़्यादा है, सरप्लस है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है 4 से सरप्लस है, तो सरप्लस है तो उसको हम लोग को इक्वलिटीज में बदलना है, ये 4 से ज़्यादा है तो ज़्यादा को हम लोग को उसके बराबर लाना है, तो उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये जो 4 से सरप्लस हो गया, तो सरप्लस जब हो गया तो उसमें कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव वेरिएबल या 0 के बराबर हो सकता है, नॉन नेगेटिव वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसी नॉन नेगेटिव वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। और जब लेस देन का साइन होता है, x1 प्लस x2 मान लीजिए लेस देन 4 है, तो यानी कि ये 4 से कम है, इसमें कुछ कमी है, स्लैक है, तो ये 4 से जब कम है तो 4 कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐड करने के बाद ये 4 के बराबर होगा, तो जो न्यू वेरिएबल हम लोग ऐड करते हैं तो उसको स्लैक वेरिएबल कहते हैं। लेस देन इक्वल टू रहे यानी कि कुछ कमी है इसमें तो उस समय स्लैक वेरिएबल, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसमें कुछ ज़्यादा है 4 से तो वहाँ पर सरप्लस है, तो वहाँ पर जो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको सरप्लस वेरिएबल, और इस केस में हम लोग स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ पर सबसे पहले जब सिंप्लेक्स मेथड का सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे कि ये मैक्सिमाइजेशन का है या नहीं, तो ये तो ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन का है, उसके बाद दूसरा काम करेंगे कि इसको हम लोग बदलेंगे ये इक्वलिटीज में। एक और काम करते हैं यहाँ पर बी का भी देखते हैं, साइन बी जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर बी जो है वो दोनों पॉजिटिव है और उसके बाद इक्वलिटीज में बदलते हैं। तो इन ऑर्डर टू हम लोग यहाँ इक्वलिटीज में बदलेंगे, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉन्स्टेंट्स इंटू इक्वलिटीज, इक्वलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए वी इंट्रोड्यूस, हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, वी इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल,
हम लोग कौन सा सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, वेरिएबल्स x3 एंड x4 वी गेट। तो सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो यानी कि सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ये 4 से ज़्यादा है कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मान लीजिए 4 आ रहा है और x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर x4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 2, एक में हम लोग x3 लिए हैं और एक में x4 लिए हैं तो जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक, आज मैं सिर्फ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के बारे में बताया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड सवाल को बताऊंगा, सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलपीपी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक लाइक तो ज़रूर बनता है, आप एक लाइक ज़रूर करें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करें ताकि मैं नई एनर्जी दुगुनी एनर्जी के साथ वीडियो को अपलोड करते रहूं और आपकी सेवा करते रहूं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।